इसलिए उनको भी दूर खड़े कर दिए। और जिस समय नारद जी कीर्तन करने पर, जिस समय कभी कभी महिषियां सोचती थी, लेकिन कृष्ण जब कीर्तन किया, जब कृष्ण धीरे 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 कृष्ण जब जगे, कृष्ण ब्रज में रहते समय उनकी जो हाव भाव, उनकी जो कटाक्ष, उनकी जो चलना, उनकी जो देखना, उनकी जो बोली, क्या अद्भुत था। जिस समय कृष्ण रूप को देखा, रुक्मिणी सत्यभामा तो पागली नहीं हो गई देख करके कृष्ण रूप को ब्रज में रहते समय। और पद्मा की 100 साल की डोगरी एकदम बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसको कृष्ण रूप देख कर उसको ऐसे लगा जैसे मैं डोकर की आवी में छोकरी हो गई। 14-15 साल की मैंने छोकरी बन गई, और जो पद्मा है ना, वो भूल कर मैं डोकरी बूढ़ी भूल करके अभी वो सोचे मैं छोरी हो गई। और कृष्ण को पकड़ने के लिए उसने वहां से दौड़ी कृष्ण को पकड़ने के लिए, और उसको किसी तरह से पकड़ करके दूसरे ने उसको वहां पर उनको संभाले। उसके बाद में जो महिषियां तो कृष्ण की रूप देख करके कृष्ण को वो भी पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उनको किसी तरह से उन लोगों ने उनको बचाया। फिर महिषियों ने देखा कृष्ण की जो ब्रज का जो रूप है, इतने सुंदर ब्रज का उनकी रूप है। कृष्ण सोचे, कृष्ण सचमुच से जो कृष्ण रोते हैं ब्रजवासी के लिए, कृष्ण जितने भी हमको प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रज का जो कृष्ण के जो नौकरानी है ना, नौकरानी 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 के जो नौकरानी के प्रति कृष्ण की जितना प्यार है, उतना प्यार हमारे प्रति है नहीं। मतलब कृष्ण ब्रजवासियों को इतने कृष्ण प्रेम करते हैं, इतने कृष्ण प्रेम करते हैं। अब ब्रज का उनका जो रूप है वो अद्भुत उनका ब्रज का रूप है, इसलिए कृष्ण भी स्वयं अपना परछाई को देख करके कृष्ण कहते हैं अपर गलित पूर्वम कश्च मत कारकारी, कहते भैया ये कौन है इतने सुंदर, ये है कौन। इसलिए कृष्ण स्वयं कामय राधिके व, जैसे राधा रानी कृष्ण का आलिंगन करती है, उनको मन इच्छा होता है मैं कब राधा बन करके ये रूप को मैं कब मैं आलिंगन करूं कृष्ण। तभी तो कलयुग में सच्चिदानंद गौरव हरि रहकर क्यों आए जगत में, केवल यही कारण है से राधा रानी में क्या माधुर्य, राधा जी के प्रेम में क्या चमत्कारिता है, जो मुझे आनंद मिलता है उससे करोड़ गुना श्री राधा रानी को आनंद मिलता है, मेरे ब्रज का रूप में क्या माधुर्य है। इसलिए कलयुग में सच्चिदानंद गौर हरि बन करके स्वयं कृष्ण जगत में आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए श्री नारद जी जब उन्होंने भजन गाए, इतने में कृष्ण धीरे 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 कृष्ण का होश आया, और ऐसे त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के जैसे ब्रज में बंसुरी बजाया करते थे, कृष्ण जब बंसुरी बजाने की हाँ जैसे उन्होंने अपना शरीर को किया ना, फिर महिषियों को पता चला सचमुच से ये रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं। इसलिए अभी कृष्ण ब्रज की चिंता में पड़े हुए थे, सोए हुए थे, जब जगे इतने में कृष्ण दौड़े, हाँ वृंदावन के लिए दौड़े। जब दौड़े इतने में दाऊ भैया रोहिणी सबके सब बोले कन्हैया हमें ये पता था तुम ब्रज के लिए जाने के लिए तरस हो, इसलिए हमने पहले से ही तुम्हारे लिए रथ बनाए, केवल तुम नहीं और बहिणी सुभद्रा और बलदेव हम सबके सब जाएंगे। आप जब लोग देखना थोड़ी देरी बाद में जगन्नाथ जी का पांडे विजय होगा, तो मंदिर से बाहर आएंगे आप टीवी में कहीं बैठ बैठ के देखना, जब रथ यात्रा की शुरू होगा हम यहाँ सबके सब चलेंगे। आप टीवी में देखना जगन्नाथ जी कैसे जा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति शराब पीने पर कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना शराब पीने वाले व्यक्ति। आप देखना जगन्नाथ जब आएंगे ठीक ऐसे, वो शराब तो पिए लेकिन किस चीज की, राधा रानी ब्रजवासी प्रेम की उन्होंने मदिरा पान की है, भक्ति रस मदिरा को उन्होंने पान कर रखे। और ढोलते ढोलते
झूमते झूमते देख लेना आप लोग कितने कई जगन्नाथ जी आते हैं, गिरते गिरते जैसे बच जाते हैं, जैसे शराब नहीं होता है ना, गिरते गिरते इधर उधर, एकदम ठीक वैसे ही जगन्नाथ जी ठीक वैसे आएंगे और आ करके उन्होंने रथ में बैठे और चल पड़े कहां वृंदावन के लिए। लेकिन उधर क्या हो रही है, तो उधर राधा रानी कह रही है ललिता विशाखा से, बोले हे ललित विशाखे और ये प्राण तो मैं और मैं नहीं रख सकती, क्योंकि कृष्णा बोल कर गए थे परसों आने के लिए, लेकिन कितना परसों बीत गया अभी तक श्याम सुंदर आए नहीं, मैंने बहुत धीरज मैंने धारण की, अभी मैं प्राण त्याग देने जा रहे इसलिए बोले मैं अभी मैं प्राण त्याग देने के लिए जा रही हूँ। बोले हे ललित हे विशा के काम करना, मेरे शरीर में 5 चीजें है, मिट्टी वायु जल आकाश और पानी है, कहती ये 5 चीज है, जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना ये 5 चीज को 5 जगह पर दे देना। बोले कहाँ पर, बोले जहाँ कृष्णा जल विहार करते हैं जिस पानी में, मैं मरने के बाद मेरे शरीर का जो पानी वहीं पर लेकर छोड़ देना, कम से कम कृष्णा जी जब जल क्रीड़ा करेंगे करते समय मेरा शरीर हाँ कम से कम पानी के रूप में कृष्णा शरीर को मैं स्पर्श कर सकता हूँ। बल्कि इसमें जो हवा है, कभी कृष्ण का जो पंखा झुलाते हैं उसमें जो हवा है, कभी वो हवा को पंखे में लगा देना, तब सब कृष्ण का शरीर में हवा कर सकती हूँ। कभी उसमें जो मिट्टी है, बल्कि कृष्ण जहाँ पर क्रीड़ा करते हैं खेलते हैं वो मिट्टी को लेकर वहीं पर छोड़ देना, वहीं पर कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे उनका चरण का स्पर्श में प्राप्त होगा। इसलिए जो अग्नि कृष्ण जी शिष्या में अपना रूप को देखते हैं वो अग्नि में वहीं पर लगा दो। इसलिए मेरे 5 तत्वों को 5 चीजों मिला देना, कम से कम मरने का बाद में भी मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं। हैं इसलिए राधा रानी प्राण त्याग देने जा रही थी, मैं तो प्राण त्याग दे रही, राधा रानी कृष्ण गृह में छटपट कर रही थी। इतने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रात में बैठी करके बड़े तेजी से आए, जब कृष्ण वहां पर आ गए इतने में कृष्ण को देख करके ललिता विशाखा बोले हे राधे अभी तुमको शरीर छोड़ने का जरूरत नहीं, श्याम सुंदर आ ही गए। जो बोले राधा रानी तो प्राण त्याग करने जा रही थी। इतने में जो सुभद्रा देवी थी वो भी इनके प्रेम को देख करके उन्होंने भी ये सुभद्रा जो सुदर्शन जो चक्र है वो भी धीरे 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 कृष्ण प्रेम में वो भी धीरे धीरे द्रवीभूत होकर जो सुदर्शन चक्र भी उनका सब कैसा बन गया, कैसे उस साइड में देखो खंबा जैसे, जैसे खंबे जैसे ना इस साइड में रखा हुआ हाँ वो भी एकदम खंबे जैसे बन गए। जब ऐसे हो गए इतने में श्री राधा रानी को ललिता विशाखा जब श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थिति को देखा, राधा रानी कह रही है हे ललित विशाखे मेरे को बाद में बचाना, मेरे को बाद में सांत्वना करना, देखो कृष्ण का क्या अवस्था है, पहले इनको सांत्वना दो, पहले इनको सांत्वना दो। इतने में श्री नारद जी भी थे वहां पर और सबके साथ श्री धीरे धीरे मेरे नारद जी थे, उन्होंने ब्रज का उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया, बोले जय जसो माती नंदना ब्रज वर नागर गोकुल रंजन Yeah.
कीर्तन करते करते जो जगन्नाथ जी धीरे 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 अपना भाव की आवेश से निकल करके फिर उन्होंने कृष्ण रूप में आए, फिर से बलदेव रूप में आए, फिर सुभद्रा सुदर्शन चक्र रूप में आए। जब फिर आए राधा जी की भाव शांति दूर हुआ, जब दूर हुआ इतने में नारद जी कृष्ण बड़े खुश थे ना, बड़े प्रसन्न थे। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न खुश हो अब जो मांगो कोई चीज दे देते हैं। अरे नारद जी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज जीवन में सबसे ज्यादा आनंद मिला क्यों, आज मैं अपना प्राण प्यारे से ब्रजवासियों से मिला, राधा रानी से हमने मिली, तो बताओ आज जो कुछ मांगोगे आज मैं तुझे वही दे दूंगा। बोले प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, यही स्वर्ग को लेकर के श्री नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथपुर में आपकी पूजा मिलेगी, आपका दर्शन मिलेगा। जो ये स्वरूप को दर्शन करे और आपका प्रसाद व सेवा करे, जैसे कभी इस जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के आपका ब्रज भक्ति को प्राप्त कर आपने वरदान दिया, भगवान संतुष्ट होकर के उन्होंने तथास्तु बोले। इसलिए यहाँ प्रश्न होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा जी की भाव को आस्वादन करने के लिए आए, पर यहाँ पर क्यों आए, अगर ऐश्वर्य जरूरी होता। इसलिए प्रभुपाद कुरुक्षेत्र स्थान होगा जहाँ पर कृष्णा राधा रानी से मिलन हुई, ये सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रभुपाद इसको स्थापन करते। बोले क्यों, बोले ये जो स्थान है क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर श्याम सुंदर प्रसाद में श्री राधा रानी की जहाँ पर सुदीर्घ विप्रलाप बाद में जहाँ पर इनके मिलन हुई है, इसलिए प्रभुपाद कहाँ पर जन्म हुए, यहीं पर जन्म हुए प्रभुपाद। हर सारा दुनिया में ब्रज भक्ति को प्रचार की, महाप्रभु क्यों रोज रोज क्यों जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए जाते थे, रोज रोज आरती में संध्या आरती में क्यों जाते थे महाप्रभु। बोले महाप्रभु जिस चीज को आस्वादन करने के लिए आए थे जगन्नाथ, तो वही चीज है। इसलिए हमारे श्री गौरव गोविंद महाराज एक अच्छी बात करते, बोले ये महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण विदुरा, ये कृष्ण को ढूंढ रहे। बोले जगन्नाथ जी कौन है, बोले राधा विदुरा, जगन्नाथ जी राधा, राधा जी की भाव से ये रूप क्यों हुआ है, ये राधा जी की भाव से ही उन्होंने ये मूर्ति धारण किए हैं। इसलिए श्री गौर गोविंद महाराज जगन्नाथ जी को इतने महत्व देते थे, और महाप्रभु भी जब दर्शन करते थे किस रूप में, वो द्वारका मुख से नहीं, कदाचित काल तट विभिन्न संगील तरल मुदा भीनाय बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्जित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामिनी ब्रज भावे। कृष्ण जब यमुना किनारे में भ्रमण कर रहे हैं, गोपियों को मुखार में गली एक कमल है, उनको घुंघराली केस नहीं जिसमें भंवर है, और कृष्ण मधुमक्खी बन करके गोपियों की राधा जी की मुखार बिंद की मकरंद का आस्वादन कर रहे हैं। बोले राधा बपुर आलिंगनम सुख, ये रूप कैसे है, जैसे श्री कृष्ण चंद्र राधा चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा आलिंगित विग्रह। ये जो जगन्नाथ जी जो विग्रह है ये राधा आलिंगित विग्रह है, क्योंकि आप देखो जगन्नाथ जी का रंग बताओ तो क्या, वो काले नहीं है वो गोरे है। ये काले देखो आप जगन्नाथ जी काले दिख रहे हैं, लेकिन केवल उनका मुंह का रंग देखो काले, उनका हाथ का रंग देखो गोरे है, पूरा जो बड्डी का रंग काले नहीं है वो गोरे रहते हैं। अब उनका पूरा बड्डी देखा जगन्नाथ जी गोरे है, उनका हाथ देखो काले, केवल उनके जो मुंह है ना जितने केवल उतना ही उनका काला है, लेकिन और पूरा शरीर क्या है गोरे है।
क्योंकि उन्होंने राधा जी की कृष्ण जैसे राधा चिंता निवेश को तरह उन्होंने अपना कांति को भूल करके गौरव रंग धारण किया, उसी तरह श्री जगन्नाथ जी राधा चिंता में विरह में रूप धारण की। इसलिए ये तीनों का रंग है ना, वो एक ही रंग है, मतलब राधा जी के भाव में तीनों ही राधा रानी के भाव में डूबे हुए हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जोर से जयकार करो, बच्चा सब सो रहे हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस चीज को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु इसी जगत में आए, ये जगन्नाथ जी वही रूप है, इसलिए महाप्रभु इसलिए यहाँ पर आकर के पुरी में रहे। इसलिए स्थान का नाम क्या है? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब क्या? श्री मतलब श्री राधा रानी, क्षेत्र मतलब स्थान। बोले जहाँ पर राधा रानी प्रेम को द्वारा संपूर्ण जो प्लावित तो भूमि है श्री जगन्नाथ क्षेत्र है। इसलिए हमारे श्री क्षेत्र ग्रंथ में इसकी इतनी महिमा बताए। बोले देखो जब किसी स्थान की महिमा देखते हैं ना, स्थान काल और पात्र, ये तीन चीज को द्वारा विचार की जाती है। स्थान का नाम किया श्री क्षेत्र, और यहाँ पर महाप्रभु जब आए ये स्थान का तो महत्व था ही है, लेकिन ये महाप्रभु जब आए ये स्थान की और महिमा बन गया। बोले कैसे? जब महाप्रभु कौन है? बोले ये राधा कांति है और भाव को लेकर महाप्रभु आए और यहीं पर महापुरुष है। बोले किसको किसको साथ में? परिकर वैशिष्ट कह रहता है। अब किसको साथ में? जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी रूप स्वरूप दामोदर लायरामान तो कौन है? ललिता विशाखा है। सनातन गोस्वामी ये लव मंजरी है। कहते जहाँ पर इन परिकर, और श्री सबसे बड़ी चीज है गदाधर पंडित कहाँ पर रहे? तोटा गोपीनाथ में। गदाधर पंडित कौन है? श्री राधा रानी। वो तोटा गोपीनाथ में रहे। तोटा गोपीनाथ क्या है? कहती है बंसी भट्ट, अभिन्न बंसी भट्ट है। इसलिए बंसी भट्ट को नीचे जैसे श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए, कभी यही पर गोपीनाथ जी कहाँ से प्रकट हुए? तोटा गोपीनाथ से। तो अभिन्न बंसी भट्ट मानी जाती है, वही से ही प्रकट हुए। इसलिए राधा रानी यहाँ पर स्वयं यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी को वहाँ सेवा करते हैं यहाँ पर। इसलिए स्थान काल पात्र हर तीर्थ से, और ये जो युग है क्या है? कलियुग। ये कलियुग क्या है? धनी न कलियुग है, जिस कलियुग में सारे देवता लोग भी जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें इसी कलियुग में जन्म दो। बोले क्यों? बोले महाप्रभु इसी कलियुग में आकर के कितना ब्रह्मा वीरिं चिर वांछित जे प्रेम जगते फेले लठाली कांगाल पाईया खाइल नाचिया बाजाइया करताली हे मन गौरंग बिना नहीं आर गौरव बिना नहीं आहे ना बसार अभिकी होए जे हे न प्रेम परचार आदुर मतियति पतिता पासन्नी प्राणे न मारिल करे हरि नाम दिया हृदय शोधिल जागिलिया धरे हरे। इसलिए महाप्रभु ये दुर्लभ प्रेम को ब्रह्मा शंकर जो प्रार्थना करते थे आसानी से उन्होंने ये प्रेम को उन्होंने दिया। इसलिए बोले हाँ के जाबी रे भाई भव सिंधु पार धन्य कलियुग रे चैतन्य अवतार। इसलिए ये कलियुग साधारण नहीं, ये धन्य कलियुग है जहाँ पर ब्रह्मा का एक दिन में केवल एक बार महाप्रभु जगत में आकर के वो दुर्लभ प्रेम का आज चंडाल में सब वितरण करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही बात बताया था, ये कलियुग में गोरे और काले सबके सब एक दिन सबके सब एकत्रित होकर के निताई गौर भविष्यवाणी गोरे और काले। इसलिए हम सबके सब, इसलिए हम सबके सब एक साथ में सबके सब बैठ करके कीर्तन करेंगे, महाप्रभु का भविष्यवाणी है हाँ सबके सब। इसलिए महाप्रभु यहीं पर श्री क्षेत्र धाम में रहे और जो रस को
उन्होंने गोलोक वृंदावन में पूरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। क्यों महाप्रभु का रूप में आए? कारण है, कहते जो इच्छा उन्होंने गोलोक वृंदावन में भी जो इच्छा को पूरी नहीं कर पाए, वो इच्छा कहाँ पर उन्होंने पूरी की? बोले श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा में बैठे करके उन्होंने राधा जी की भाव गंभीर को स्वर्ग दामोदर राय रामानंद ललिता विशाखा को साथ में बैठे करके वो रस को उन्होंने आस्वादन यहीं पर करते हैं, हाँ यहीं पर करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव भी क्या किया, जैसे महाप्रभु अंतिम लीला को कहाँ पर संक्रमण किया? पुरी में किया उन्होंने। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहाँ पर किया है? पुरी में किया। कहाँ पर किया? यहीं पर किया। इसलिए जो स्थान है ना गुरु जी की अत्यंत प्रिय स्थान है, क्योंकि यहीं पर गुरुदेव ने अंतर्ध्यान लीला की, क्योंकि यहीं पर चक्र तीर्थ है। इसलिए गुरुदेव ने यह स्थान के लिया, जो चक्र तीर्थ है ना, ये चक्र तीर्थ में यहीं पर ही जब जगन्नाथ जी आए सबसे पहले दारु ब्रह्म रूप में यहीं पर जगन्नाथ जी रुके, यही सही राधा श्री राजा उनको सोने की रथ में बैठा करते करके कीर्तन करते हुए यही सही ठाकुर जी को लेकर गए श्री जगन्नाथ जी। इसलिए हम जहाँ पर बैठे हैं ये साधारण स्थान नहीं, इसलिए हमारे गुरुदेव यही पर उन्होंने अंतर्ध्यान लीला की। इसलिए जगन्नाथ जी की कथा अनंत जगन्नाथ जी कथा। इसलिए आज हम सबके सब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाएंगे। केवल एक ही फेस्टिवल जगन्नाथ जी का, जिसमें महाप्रभु अकेले नहीं पूरा परिक्रमा को लेकर के सारे परिक्रमा को साथ में, अगर कोई फेस्टिवल को मनाए कौन सा मनाए? रथ यात्रा। और कोई सुनते किस फेस्टिवल को महाप्रभु बनाए? नहीं, केवल केवल रथ यात्रा का ही महाप्रभु बनाए। और कृष्ण लाए ब्रजे जाए के भाव अंतर, हम कृष्ण को वृंदावन ले जा रहे हैं रथ में बैठा करके। इसलिए यही भाव से महापुरुष, इसलिए आप देखना रथ यात्रा में सारे गौड़ी वैष्णव हैं। हम लोग तो दो तीन चार दिन से आए, किस किस मठ से 15-15 दिन से पहले आकर के पूरा ये फेस्टिवल को बनाते हैं। इसलिए आज हम भी सबके सब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में हैं, जैसे ब्रज गोपियाँ कैसे श्याम सुंदर में वृंदावन ले जा रहे, इसी भाव से कीर्तन करते करते महाप्रभु जैसे चलते थे, आज भी हम इसी भाव से हम लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा करेंगे। ठीक है, अभी हमारे बीच में श्री विष्णुदेव तो महाराज, श्री नेमी महाराज, अभी आपको थोड़ी थोड़ी जगन्नाथ जी की तत्व और रहस्य के बारे में अभी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रस आस्वादन कराएंगे। ठीक है महाराज जी, श्री विष्णुदेव तो महाराज की, महाराज जी पंडित है महाराज। वंदे गुरु पद दो वंदे।